Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel, Lovish Gaming. कैसे हो आप सभी लोग? तो guys, आज हम खेलने जा रहे हैं एक बार दोबारा से Minecraft Survival का एक और नया तगड़ा एपिसोड। तो guys, आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही तगड़ी चीज बनाने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज बनाने वाला हूँ। guys, आज मैं बनाने वाला हूँ एक इजी एफिशिएंट गोल्ड फार्म जो कि हमारे को गोल्ड ला के देगा। ढेर सारा गोल्ड मिलेगा, हमें इंगट्स मिलेंगे, वहां से हमको नगेट्स मिलेंगे, वहां से हमको गोल्डन के स्वॉर्ड मिलेगी, वहां से हमें फ्लैश मिलेगा, जो मतलब जोम्बी को मारने के बाद फ्लैश मिलता है guys, वो मिलेगा। और भाई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही आसान, इजिएस्ट, मुझे लगता है सबसे इजिएस्ट गोल्ड फार्म मैं आज बनाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें मेरे को चाहिए। लावा मेरे को गाइस, उसमें लावा चाहिए, मेरे को ऑब्सिडियन चाहिए ढेर सारे, मतलब कि मेरे को कम से कम 50 ऑब्सिडियन तो लगने ही वाले हैं। ट्रैप डोर चाहिए मेरे को, ब्रिक्स चाहिए मेरे को, ऑब्जर्वर चाहिए मेरे को और क्या चाहिए भाई, डिस्पेंसर चाहिए मेरे को, पानी चाहिए, लावा चाहिए, ग्लास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले तो मैं लेने जा रहा हूं अपने लिए ऑब्सिडियन, जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं मिलने, मतलब मिल जाते हैं आराम से, लेकिन उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें काफी टाइम लगता है। तो गाइस, मुझे ऐसे 50 चाहिए, मैं जाके जल्दी से लेने वाला हूं अपने ऑब्सिडियन। सबसे पहले मैं कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूं। ओके, तो गाइस मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया, अब मैं जा रहा हूं ऑब्सिडियन लेने, मतलब मेरे को किसी उसमें जाना पड़ेगा। अब मैंने यहां पे यार थोड़ा सा लावा था, तो मैंने गाइस उसको मैंने बना लिया था। सबसे पहले तो मैं यहां से ना लावा की बकेट्स ले लेता हूं, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए 2 बकेट्स तो एटलीस्ट लगने वाली है। हम इन्फिनिटी बना लेंगे 2 बकेट्स, आई थिंक लावा बन जाता है। तो गाइस मैंने यहां से लावा तो उठा लिया, अब मुझे चाहिए ऑब्सिडियन, ढेर सारे ऑब्सिडियन। उसके लिए गाइस मुझे जाना पड़ेगा सबसे नीचे बेस लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला, थोड़ा टाइम लगने, मुश्किल भी नहीं होने वाला गाइस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला। तो इसलिए गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को कोई एक केव ढूंढनी पड़ेगी या कोई माइंड ढूंढनी पड़ेगी जो कि मेरे को नीचे तक कनेक्ट करे और मुझे ऑब्सिडियन आराम से मिल जाए वहां पे। यहां तो मैं सोच रहा हूं एक पानी की बकेट अपने साथ लेके जाऊं, जहां लावा दिख जाएगा भाई वहां पे डाल देंगे। तो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट होगी। तो गाइस गेम प्ले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा एक इजीएस्ट गोल्ड फार्म बनने वाला है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो गाइस आप लोगों के लिए भी तगड़ा रहेगा। जल्दी से जाते हैं नीचे, सबसे नीचे, और वहां से ऑब्सिडियन कलेक्ट करते हैं। ओके, तो गाइस मैं किसी केव में आ चुका हूं अंदर, और यहां पे मुझे लगता है मैं काफी नीचे पहुंच जाऊंगा अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा। तो गाइस यहां पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूं ये केव में, मेरे को याद नहीं था मैं इस केव में भी आया हूं, कभी मुझे पता नहीं था ये केव है यहां पे कोई। तो यहां पे मुझे लावा तो मिल चुका है, लेकिन मेरे को चाहिए ऑब्सिडियन, जो कि मेरे को लगता है आई थिंक यहां से मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से यहां पे ना पानी गिरा देता हूं। पहले तो मैं यहां पे पानी गिरा, अरे भाई मैंने गलत जगह गिरा दिया। ओके, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, मेरे को ना यहां से गिराना पड़ेगा पानी। ओके, तो ये सारा का सारा ऑब्सिडियन बन रहा है, यहाँ से मैं पानी उठा भी लेता हूँ क्योंकि मुझे पानी चाहिए भी वापस। भाई कहाँ गिरा दिया मैंने पानी? ओके ओके, मैंने पानी यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पानी उठा लिया, अब यार इसके नीचे मैं इसको तोड़ने लगता हूँ। तो गाइज मुझे ना मेरे को कॉबल स्टोन भी चाहिए यार, कॉबल स्टोन भी चाहिए मेरे को ऑब्जर्वर बनाने। तो यार मेरे को ना लग रहा है मेरे को कॉबल स्टोन की भी कमी आ रही है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में मैं एक स्टोन फार्म भी बना लूँ, कॉबल स्टोन फार्म या कुछ ऐसा कुछ बना लूँ, ताकि हमें स्टोन की कमी ना आए और हमें ईजिली सब कुछ मिलता भी रहे। एक तो मेरी पिकेक्स जो है गाइज वो सिल्क टच आ गया, यहाँ से इसमें कुछ भी तोड़े तो वैसे का वैसे ही मिल जाता है। अगर सिंपल वाली से मैं तोड़ूँ तो गाइज मुझे मिलेगा कॉबल स्टोन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ अब स्टोन फार्म ही बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये, ओ भाई 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 मैं नीचे जाने वाला था यार अभी तो, अरे यहाँ पे ये है। ओके, ये तो तोड़ लिया मैंने, यहाँ पे नीचे लावा यार, इसी बात का तो डर था मुझे। तो गाइज मुझे इसी बात का डर था भाई, यहाँ पे तो लावा है। ओके, यहाँ पे लावा नहीं है, ठीक है, यहाँ से तोड़ सकता हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा यार। मैं टॉर्च तो लेके आया था। ओके, टॉर्च है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च कमी है तो यहाँ पे लगा देते हैं, एक लगाते हैं यहाँ पे, एक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को दिखना शुरू हो गया, तो यहाँ से मैं तोड़ लेता हूँ। अभी मेरे पास कितना ऑब्सिडियन है? अभी मेरे पास 3 ऑब्सिडियन है, बहुत बढ़िया। ओके, तो गाइस मैं यहाँ से ऑब्सिडियन निकाल ही रहा था, मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल चुके हैं, तो मैं डायमंड लेने वाला हूँ भाई। ऊपर से मेरे को पता चला मेरी पिकेक्स में यार एफिशिएंसी लगी है, मैं एफिशिएंसी वाली पिकेक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देखना मेरे को कितना मिल जाएगा। ओके, शिट 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 शिट, गलती कर दी बहुत बड़ी वाली यार। मुझे 5 ब्लॉक ऑफ डायमंड मिले, मेरे को ना सिल्क टच से नहीं तोड़ना चाहिए था, मेरे को यार दूसरी वाली पिकेक्स से तोड़ना चाहिए था। ओके, तो मेरे को अब 5 ही डायमंड मिलेंगे। चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मैं ऑब्सिडियन ढूंढने आया था। मेरे को ऑब्सिडियन आई थिंक मेरे पास 23 हो चुके हैं, मेरे को और जमा करने हैं थोड़े बहुत, और लेने मेरे को लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ से ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे एक टॉर्च लगा लेते हैं। बट यार प्रॉब्लम एक ये है कि इसमें ना यहाँ पे ना लावा आ जाता है नीचे। मेरे को काफ़ी सारे ऑब्सिडियन मिल चुके हैं, 48 ऑब्सिडियन मेरे को मिल चुके हैं, और माइनिंग करते करते मुझे दिखा कि भाई मेरे को 5 ब्लॉक ऑफ डायमंड भी मिल गया था। तो मैंने डायमंड्स भी उठा लिए, जो कि मेरे को 5 ब्लॉक मिल चुके हैं, और मेरे को एक एमरल्ड का ब्लॉक भी मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं 50 पूरे ऑब्सिडियन करने के बाद में जाने वाला हूँ ऊपर, और यहाँ से चलते हैं अब ऊपर हम जल्दी। मेरे को लगता है आई थिंक मेरे को 51 हो गया, तो भाई बहुत सारे हैं, तो मैं जल्दी से जाता हूँ ऊपर, और ऊपर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो गाइस मैं भागते भागते आ चुका हूँ अपने फार्म के पास में, और यार लिटरली आप लोग देख सकते हो मेरे जो पिकेक्स की हेल्थ है गाइस वो कितनी कम रह चुकी है यार। मतलब मेरे को मेंडिंग लेना ही पड़ेगा, कुछ भी करके मेरे को मेंडिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे को बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे मेंडिंग नहीं लगाता उनमें, क्योंकि यार फिर से मैं नीदरराइट की माइनिंग नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑब्सिडियन तो कलेक्ट कर लिया, मेरे को फ्लिंट एंड स्टील भी चाहिए। तो गाइस बहुत सारी तैयारी करनी, मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ।
मैं थोड़ी बहुत मतलब काफी चीजें मैं लेके आ चुका हूँ, ग्लास लेके आ चुका हूँ, लेटर लेके आ चुका हूँ, और मैं लेके आ चुका हूँ ऑब्जर्वर, एंड मेरे को एक आई थिंक मेरे को एक ही मेरे को लगने वाला है डिस्पेंसर, तो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ डिस्पेंसर भी। और गाइज मेरे को आई थिंक वाटर बकेट भी एक लानी थी, और मेरे को यहाँ पे ब्रिक्स भी चाहिए थे, तो मैं स्टोन भी लेके आ चुका हूँ। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पीछे कहीं मैं अपना ये गोल्ड फार्म बनाऊँ, तो जगह डिसाइड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ मैं। और यार मैं सोच रहा हूँ कि एक टाउन हॉल बनाऊँ नए विलेजर्स के लिए, मैं नए विलेजर लाने वाला हूँ जिसमें मैं सिर्फ लाइब्रेरियन रखने वाला हूँ। मेरे को मेंडिंग बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे टूल्स जो है, मेरे वेपन जो है भाई, वो खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपनी उनकी हेल्थ खत्म हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज इसका यहाँ पर कहीं पर अपना ये गोल्ड फार्म बनाऊँ, अपना बड़ा विलेज बनाएंगे आराम से, अपना बड़ा बड़ा विलेज बनाएंगे। तो सोच रहा हूँ यहाँ पर कहीं बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर बना लेते हैं तो सही रहेगा चाहिए। और गाइज अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना ये फार्म बनाना, तो सबसे पहले तो मैं ऑब्सीडियन ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे को यहाँ पे रखनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी पड़ेगी आई थिंक गैप भी रखना है ना मेरे को थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ यहाँ पे एक का गैप। ओके तो गाइज मेरे को यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लगाया, तो ऐसे करके मेरे को 22 ब्लॉक्स तक पीछे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 गाइज यहाँ पे 22 ब्लॉक्स मैंने लगा दिए। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ऊपर चढ़ना है, मेरे को यहाँ पर भी इसकी हाइट भी 21 ब्लॉक्स तक ऊपर लेके जानी है। एक तो यहाँ पे लगा हुआ है 22, मतलब टोटल 22 यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ओके ज़्यादा गलत, मैंने गिनती शायद से गलत गिन ली है, हाँ मुझे लग रहा है मेरे को गिनती, क्योंकि मैंने लाए थे आई थिंक मेरे पास 52 ब्लॉक्स थे, तो मुझे 22 लगेंगे तो 44 ब्लॉक्स रहेंगे, मतलब मैंने दो ब्लॉक्स ज़्यादा लगा लिया आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दो ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, 7 यहाँ पे हो गए, ये 8। ओके तो गाइस यहाँ पे ओके, तो भाई मेरी ओ भाई मैं नीचे कैसे जाऊँगा, अरे ये गलती हो गई यार मेरे से, अरे भाई मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा अब, हाँ मुझे लग रहा है मुझे ऐसे ही करके जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे मैं पहुँच गया, ठीक है। ओके यहाँ पे एक ओ भाई 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 भाई, भाई कैसे मैं जा कैसे रहा हूँ। ओके एक यहाँ लगाना पड़ेगा आई थिंक, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ओके आ भाई 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 गया था अभी। ओके तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, एक ब्लॉक यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ से नीचे उतरते हैं आई थिंक, मैं अब नीचे तो उतर ही जाऊँगा ना, अभी भी हाइट पे हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं एक हाइट पे ऊपर पहुँच चुका हूँ। यार मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, एक्चुअली मेरे को बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए, मतलब मैंने दो ही साइड की कैलकुलेशन की थी, यार मैं क्या कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके तो यहाँ पे 9 ही ब्लॉक लग चुके हैं मेरे को, मतलब कि यहाँ से मेरे को और 13 ब्लॉक्स ऊपर तक लेके जाना है, तो तब जाके 22 होगा। तो गाइज मैं पहले यार ऑब्सीडियन ले आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑब्सीडियन लाने हैं, तो मैं सबसे पहले ऑब्सीडियन लाता हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन गलत कर दी, तो मेरे को ऑब्सीडियन लाने पड़ेंगे, जल्दी से जाता हूँ नीचे ऑब्सीडियन लेके आता हूँ। वो तो गाइज मैं इस केव से निकल रहा हूँ, ओ मैंने यहाँ पे लगा दिया, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे ऑब्सीडियन, मैं एक स्टैक लेके आया हूँ 63 आई थिंक बहुत हो जाएंगे, अब तो बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे ऑब्सीडियन, मेरे को कमी नहीं आने वाली है ऑब्सीडियन को। मैं फ्लिंट एंड स्टील भी भूल गया था, मेरे को फ्लिंट एंड स्टील भी लाना था, तो मैं यहाँ से फ्लिंट एंड स्टील भी लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से जाते ऊपर जल्दी से, यहाँ से भाई ऊपर कर लो भाई, ऊपर 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 ऊपर। यहाँ पे मैंने 9 ब्लॉक लगा लिए ऑब्सीडियन के, 10, 11, ओके यहाँ पे 9 लगाए ना, 10 ये हो गया 11 आई थिंक, 2 ही ब्लॉक है ना यहाँ पे, 10 हो गए 11, ठीक है यहाँ पे 11 हो गए हैं। तो मेरे को अगर 22 तक जाना है, तो मेरे को 11 ब्लॉक और ऊपर लगाना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को 50 तक लगाने हैं। ओके तो मैं 50 तक लगा ले, तो 50 तक मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे को सही नहीं बैठ रही है, क्योंकि हाइट में जाना है। ओके यहाँ पे 50 लगा दिए मैंने, मेरे को समझ में आ गया मैंने गलत लगाए थे वहाँ पे ऑब्सीडियन, ठीक है यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इनको जोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि भाई हमें जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें टेस्ट करना है कि भाई हमें जो हमारे जो पिगलिंस होते हैं, जो हमें गोल्ड देते हैं नीदर वर्ल्ड में, वो कहाँ से किस डायरेक्शन में, मतलब कि आगे वाली डायरेक्शन से आ रहे हैं या पीछे वाली डायरेक्शन से स्पॉन हो रहे हैं, हमें उनको स्पॉन करके देखना पड़ेगा। जिससे जिस कैसे स्पॉन करना है, वो मेरे को फ्लिंट एंड स्टील से बार बार उनको बार बार ये नीदर, जो भी नीदर मैंने बनाया है ये ऑब्सीडियन का नीदर पोर्टल बनाया है, तो गाइज इसको बार बार से हमको अबे भाई भाई कैसे बचाऊं मैं भाई, कैसे बचाऊं मैं भाई साहब, भाई अपने नीदर का जो है ना भाई बहुत तगड़ा है। मेरे को मेंडिंग तो बहुत ज़रूरी चाहिए, सबसे पहले तो मैं मेंडिंग लेने वाला हूँ अपने विलेजर से, मेरे को बहुत सारी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी तब जाके मेरे को मेंडिंग मिलेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली। सबसे पहले तो मैं ये सब तोड़ लेता हूँ, क्योंकि भाई ये सब नहीं चाहिए, ये सब तोड़ लेते हैं। ओके यहाँ से भी तोड़ लेता हूँ मैं सब, ये बराबर कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लगाना है ऐसे करके, मेरे को ये पूरा लाइन पीछे तक लेके जाना है। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ ये पहले लाइन यहाँ। ओके ये क्या हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है। ओके यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं सारी की सारी लाइन, ये पूरा यहाँ से इसको ऐसे कवर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि
अच्छा लगेगा ना देखने में, तो इसलिए गाइस अच्छा भी लगेगा और देखने में, और आगे काम में भी आएगा। जब पिलग्रिम्स हमारे स्पॉन होंगे वो कहीं गिरेंगे नहीं। सबसे पहले तो मेरे को इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो उसको भी तोड़ना है भाई, वो मैंने तोड़ा नहीं। जल्दी से जाते ऊपर इसको तोड़ लेता हूँ मैं। ओके यहाँ से एक तोड़ लिया, यहाँ भी है क्या? ओके तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि मैंने सारा सही बना लिया है अभी तक। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने सही बना लिया है। ये नीदर पोर्टल बन चुका है, 22x22 का बन चुका है नीदर पोर्टल। और इनको भी तोड़ लेते ना भाई, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। अरे भाई टूट जा, अरे भाई यार ये गंदी चीज़ है यार इसमें। एक सेकंड ये तोड़ लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। लास्ट बच गया, ओके तो ठीक है ये भी तोड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्राई करना है। तो फ्लिंटर स्टील में लेके मैं मतलब लेके नहीं आया, मैं नीचे से ही लेके आया था, ये सैंड में से मिल जाता है हमें। ओके तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे जला लिया, इसको अब मेरे को तोड़ना पड़ेगा। ओके गाइस इसको टेस्ट करने का एक और तरीका है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो जो तरीका है जो मैं इस्तेमाल कर रहा था गाइस, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन एक और तरीका मेरे पास है इसको इस्तेमाल करने का। हमको पता करना है कि पिगलिंस कौन सी तरफ से यहाँ से स्पॉन होंगे, मतलब यहाँ वाली तरफ से जहाँ पे मैं हूँ या दूसरी वाली तरफ से जो बैक साइड है इसका नीदर पोर्टल का। तो हमें उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पहले ऐसे तीन ब्लॉक लगा लेने हैं। यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पर भी एक लगा देना। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, पहले मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर है ना एक ये एक टी बनाने के बाद में आप लोगों को करना क्या, आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए। अरे भाई मैं नीचे गिर गया। ओके तो ठीक है, मेरे को ऐसे भी ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक लगा देते हैं। और गाइस मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगाना है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डिस्पेंसर चाहिए, मैं डिस्पेंसर लेके आया था। ओके तो गाइस ये रहा डिस्पेंसर, यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगा देना। इसके अंदर में हमको डाल देनी है एक वाटर बकेट, जो कि यहाँ पे मैंने डाल दी है। और गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वाटर कलेक्शन का एक हमको बना देना है, एक एरिया टाइप, जिससे कि वाटर जो है वो यहाँ से वहाँ ना जाए। ओके इसको तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ और एक यहाँ पे एक यहाँ पर। ओके तो गाइज अब क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, हमें यहाँ पे वाटर हमने कलेक्शन का एरिया बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक और ऑब्जर्वर लेना और हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है, इसके फेस के साथ में लगाना है हमें एक और ऑब्जर्वर को, जो कि हमने ऑब्जर्वर लगाया था। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर लगा दिया, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है इसके साथ, ऐसा होगा। तो गाइज ये ऐसा बनेगा एरिया। अब हमें क्या करना है, हमें बार बार इसको जो हमने नीदर पोर्टल बनाया था इसको जलाना है बार बार में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई पिगलिन जो है वो किस तरफ किस एरिया से आ रहे हैं, मतलब आगे से आ रहे हैं या पीछे से आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपना एरिया बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको ऑन ऑफ करके बार बार हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो ओके तो यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील टूट गया भाई, यार हद ही है यार, फ्लिंट एंड स्टील टूट गया। मैं लेके आता हूँ यार, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील ले आया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी से ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा ये होने वाला है, ये देखो कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखो गाइज, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पिगलिन आ चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो फ्रंट साइड है नीदर पोर्टल का वो है ये वाला साइड, जो कि यहाँ से पिगलिन आया। तो यहाँ पे हमें अब जो मैकेनिज्म है हमें गाइज पीछे की तरफ से बनाना है। जो भी मैंने ये सब बनाया गाइज मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए था। तो अब हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें तोड़ लेनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज अब हमें पता चल चुका है कि पिगलिंस किस तरफ से आएंगे, पिगलिंस आएंगे इस तरफ से। अब हमें क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है अपने मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लेता हूँ मैं इस लाइन को, ये टेम्पररी है, मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म बनाए, इसलिए गाइज मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दी लाइन। ओके यहाँ पे क्रीपर आके फट चुका था, तो यहाँ पे इसने बहुत ही बुरी हालत कर दी, यहाँ पे खड्डा कर दिया। इसको पहले मैं फिलअप कर लेता हूँ यार, ये नहीं तो बार बार मैं गिरता जाऊँगा। तो मुझे यहाँ इतना तो मेरे को चाहिए, इसको फिलअप कर लेते हैं। और यार लिटरली मेरे को टाउन हॉल बनाना पड़ेगा एक नया अपने विलेजर्स के लिए, और मेरे को बहुत सारी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी मेंडिंग बुक की। तो गाइस इसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ आप लोगों को, आप क्या करना है अब हमें जाना है यहाँ पे एक और ब्लॉक, ऐसे ही हमको एक और ब्लॉक ऊपर चढ़ाना है। यहाँ पे चढ़ा दिया। अबे यार ये एक तो ये प्रॉब्लम है ना भाई इतनी। ओके तो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे एक और लाइन मेरे को ऐसे ही बना लेनी है, जल्दी से मैं बना लेता हूँ इस लाइन को। उसके बाद हमें फ्रंट साइड पे जाना है, पिगलिंस कलेक्शन का एक एरिया बनाना है जहाँ पे पिगलिंस आके जो गिरेंगे। अब मुझे चाहिए ग्लास, तो ग्लास मैं बहुत सारा लेके आया था। ओके तो मैं लेके तो आया हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, तो ऐसे ही चार ब्लॉक लग गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे चार ब्लॉक्स लग चुके हैं यहाँ पर। अब मुझे ऐसे ही करके गाइज ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ पे पूरी की पूरी फिलिंग करनी पड़ेगी। पहले फिलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ये अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है पीछे जहाँ पे मैंने ये कलेक्शन एरिया बना, ओके तो जहाँ पे मैकेनिज्म बना रहा हूँ वहाँ पे मेरे को जाना है। और सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्वर लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे नहीं उस तरफ से हमको एक ऑब्जर्वर लेना है। और सबसे पहले ऑब्जर्वर ऐसा लगाना है जो कि इसकी रेड लाइट, ओ भाई कौन मार रहा है, अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, साले रुक तेरी जात का, चल साले एक मार का है नहीं। तो यहाँ पे हमें लगाना है ताकि इसकी जो रेड लाइट है गाइज ये यहाँ पे रहे। एक सेकंड मैंने ये ना गलत लगा दिया, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लगाना है मुझे ताकि इसकी जो रेड लाइट है यहाँ पे रहे। ओके तो आई थिंक मैंने गलत लगा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत, ओके एक सेकंड मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ यार, ऐसे नहीं होगा काम। ओके तो पहले मेरे को ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ओके हाँ बिल्कुल सही है, मैं ही ऐसे ही। ओके तो गाइज अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है ऐसे ही यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, जैसे हमने वहाँ पे लगाया, अब हमें लगाना है एक और
ऑब्जर्वर जो कि इसके मुंह के साथ में मुंह मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही काम होगा। प्लेटफॉर्म मैंने बना लिया है, अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जर्वर हमने लगाया ऐसे, एक ऑब्जर्वर लगाना हमें ऐसे, और ऐसे ही करके हमें पूरे छः यहाँ पे ले जाने हैं पीछे तक। एक लगा लिया है, दो तीन चार पाँच और छः, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ब्लॉक लगाना है। क्या करना है, एक ब्लॉक हमें लगाना है यहाँ पर, एक मिनट, एक ब्लॉक लगा दिया हमने यहाँ पे, एक लगा दिया यहाँ पे, अब हमें एक और ऑब्जर्वर लगाना है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन लगा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को वैसे होना चाहिए। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है नीचे, इस ब्लॉक को तोड़ लेता हूँ मैं, एक ब्लॉक इसको तोड़ लेता हूँ, और गाइज यहाँ से लगाना है ये नीचे। ओके, तो वो बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही तरीके से लग गया है गाइज। अब मेरे को जाना वापस से ऊपर, वैसे ही जो सेम प्रोसीजर मैंने किया वैसे ही उसको वहाँ पे रिपीट करना है मेरे को, वैसे ही छः ब्लॉक अब यहाँ पे आगे लगाने पड़ेंगे। मैंने पूरा पीछे तक यहाँ पे लगा लिए है ऑब्जर्वर, अब हमें ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ये ब्लॉक कर लेता हूँ मैं पहले, एक दो यहाँ पे लग चुके हैं, और गाइज हमें यहाँ नीचे भी एक ब्लॉक लगाने। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो मेथड है गाइज ये पूरा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, तो गाइज अब हमें ये पूरा का पूरा ना पहले कवर कर लेना है, पहले मैं इसको कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हमें और ब्लॉक्स इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। मेरे को लगता है मेरी ब्रिक्स जो है गाइज वो भी कम पड़ जाएगी, मेरे को आई थिंक मेरे को लगता है मेरे को ब्रिक्स लानी पड़ेगी। वैसे मेरे पास स्टोन है तो ब्रिक्स बना ब्रिक ब्लॉक बना सकता हूँ मैं, मेरे को स्टोन लानी पड़ेगी। ठीक है, मैं स्टोन बना लेता हूँ, मेरे को लगता है और स्टोन लगने वाला है, तो गाइज मैं स्टोन भी लेके आता हूँ, जल्दी से जाता हूँ नीचे। ब्लॉक्स लेके आ चुका हूँ, चार स्टैक लेके आया हूँ, अब मेरे को लगता है बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पे बेस लेवल पे बना लेता हूँ, ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे बनाना है, और इसके बाद मेरे को इसकी कवरिंग भी करनी है। अब गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पर एक और ब्लॉक हमको हाइट बढ़ा देनी है, एक मिनट, यहाँ पे बढ़ा दी हाइट हमने। ओके, तो यहाँ पे फिर से बढ़ा दी मैंने हाइट। ओके, तो गाइस यहाँ पे फिर से मेरे को इसको पूरा का पूरा कवर कर लेना है, मैं नीचे ना गिर जाऊँ गाइस। ओके, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पर एक लगाया। ओके, तो यहाँ पर एक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी इसको मैं पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ। उसके बाद भी हमें बहुत काम है, अभी बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को बटन्स भी लाने थे, बटन्स वैसे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे एक और यहाँ पे मेरे को वॉल चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे चढ़ा लेते हैं वॉल को, पूरा का पूरा मैं चढ़ा लेता हूँ उसके बाद। ओके, तो मेरे को लगता हो ही गया लगभग। ओ भाई नीचे गिर गया मैं, अरे भाई गलत ही सीन है यार, गलत ही सीन। ओके, मेरे पास ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा जो ये वाली वॉल थी आई थिंक मैंने ये भी कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है फ्रंट साइड पे, और यहाँ पे हमें इसको भी कवर करना है, यहाँ पे इसको कवर कर लेता हूँ मैं पहले। ये वाली दीवार भी मैंने कंप्लीट कर दी, अब हमें चाहिए ट्रैप डोर, जो कि मैं बिल्कुल भी बनाकर नहीं लाया, लेकिन मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्राफ्टिंग टेबल से। तो ट्रैप डोर के लिए आई थिंक मेरे को प्लैंक्स की जरूरत पड़ी, प्लैंक्स तो मेरे पास प्लैंक्स नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ से प्लैंक्स बना लेता हूँ बहुत सारे, एक स्टैक तो बन ही जाएगा, दो स्टैक लगभग मुझे लगता बन। ओके, तो गाइज यहाँ पे इतने बन गए हैं, तो मैं ट्रैप डोर बना लेता हूँ, काफ़ी सारे मुझे लग जाएंगे, आई थिंक 14 कम 28 बन चुके हैं, 28 आई थिंक बहुत होंगे, क्योंकि मेरे को 20 या 22 लगेंगे, सिर्फ इतना ही लगेंगे। 28 ट्रैप डोर मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लगा लेता हूँ सारे के सारे यहाँ पे स्लाइड करके लगा लेता हूँ जल्दी से, और इनको फिर हमको ओपन भी करने पड़ेंगे। ओके, जैसे ये देख रहे हो आप लोग, रात भी होने वाली है, मुझे सोना भी है और मेरे को भूख भी लग चुकी है भाई, खाना भी खाना है, अपनी हेल्थ बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं पहले इनको खोल लेता हूँ सारे के सारे, ताकि जो हमारा जो आई थिंक मैं यहाँ पे, हाँ तो गाइज हमारा जो लावा है वो कहीं बाहर ना जाए, और इनको टच भी नहीं होगा वैसे, वो ट्रैप डोर से जलेगा भी नहीं एक्चुअली में लावा यहाँ पे। फिजिक्स, ये वाली फिजिक्स मेरे को नहीं समझ में आती भाई, कैसी फिजिक्स है ये वाली। मैं इसको पहले यहाँ से ऊपर चले जाता हूँ, इस ऊपर जाने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सो जाता हूँ भाई, क्योंकि रात हो चुकी है। ओ भाई यहाँ पे मॉन्स्टर है, तो गाइज मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि हमें बाहर ही, वैसे हमको बाहर ही काम है, तो मैं यहाँ से इसको तोड़ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तोड़ लिया। अब मुझे लावा बकेट का बहुत काम है, तो गाइज यहाँ पे लावा मेरे पास कम है, मेरे पास ऑलरेडी, पहले मैं यहाँ पे लावा डाल लेता हूँ, उसके बाद आराम से पहले मैं देख लेता हूँ भाई कितना। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये जो नीदर पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो चुका है, अभी मैं इसको बंद भी करूँगा, कोई बात नहीं, अभी ओपन होने देते हैं, मैं इसको बंद भी कर दूंगा, मैं इसको फ्लक्चुएट भी करवा दूंगा, फिलहाल तो मैं नहीं करवा सकता यहाँ पे, मेरे को लावा बकेट और चाहिए, पहले तो मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी है, यहाँ से निकाल लेते हैं लावा। यहाँ पे मेरे पीछे ये सारे पड़ चुके हैं, सारे जल भी नहीं रहे, मेरे को बाघ भाई। ओके, तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ से लावा और जमा करके लाना पड़ेगा, मैं लावा ले आऊँगा कोई बात नहीं, वो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरे को यहाँ पे स्टेयर्स बनानी पड़ेगी, ताकि मैं ऊपर नीचे आराम से कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टेयर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बना ली ये वाली स्टेयर, तो अच्छी सी बना ली है मैंने वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ओके, यहाँ पे मुझे आई थिंक, हाँ यहाँ से, ओके मेरे को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ये गलत लगा दिया, ये वाला नहीं लगाना था, ठीक है। मैं एक बकेट तो लेके आ गया हूँ लावा की, मेरे को एक बकेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी, हमको ऐसा लावा डालना है ताकि जो गाइज क्या करना है, लावा ऐसे डालना है ताकि लावा सारे के सारे एरिया को कवर कर पाए और हमारा कोई भी एरिया खाली ना रहे। ओ भाई अंदर नहीं जाना, नीदर पोर्टल के अंदर नहीं जाना भाई मेरे को, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ लावा। ओके, तो आई थिंक ये कवर हो गया, हाँ ये कवर हो गया, मेरे को और लावा लाना है, तो जल्दी से जाता हूँ लावा लेके आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। लावा लेके आ चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपना खाना खा लेता हूँ भाई, मेरे को बहुत, मेरी हेल्थ जा चुकी है और मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जाते हैं, मेरे को जाना है यहाँ पर और मेरे को लावा को ड्रॉप करना है यहाँ पे,
ओ भाई भाई अंदर नहीं जाना है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने लावा की एक बकेट, और मुझे लगता है अब शायद से एक ही बकेट रह जाएगी। एक बकेट यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, आई थिंक मेरे को लगता है सारा का सारा अब कवर हो ही जाएगा। आई थिंक हो गया होगा कवर, ओके तो आई थिंक मेरे को लगता है हो गया कवर, हाँ सारा का सारा यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है तो अब हमें क्या करना, अब हमें क्या करना है, मैं आ चुका हूँ नीदर पोर्टल की इस तरफ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें डालना है यहाँ पे पानी का एक वो, पहले भाई इन सबको मैं मार लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये दिक्कत देने वाले है। भाई एक तो ये यहाँ पे पिगलिन सर यहाँ पे इतने सारे जमा हो गए, सबसे पहले तो मैं इनको तेरी जात का साल, तेरी जात का, ओ भाई भाई पीछे से तेरी तो तुम्हारी साल, सबको मारूंगा सबको पेलूंगा। ओके मुझे कुछ सोना मिला कि नहीं, ओके आई थिंक ओ 5 नगेट्स मिल चुके। तो गाइज एक एक बाल्टी हमको यहाँ से डालनी है और दूसरी बाल्टी जो है हमें उस कोने से डालनी है, और हमको यहाँ पे 3 ब्लॉक की जगह मिल जाएगी जो कि मैं कलेक्शन एरिया, अपना कलेक्शन एरिया, ओके 1 2 3 4 एक मिनट यार ये 4 ब्लॉक क्यों, यहाँ पे 3 ही ब्लॉक होनी चाहिए थे भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कैलकुलेशन गलत कर दी क्या मैंने, ओके 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 मैंने गलत कर दिया भाई, मैंने यहाँ पर ना ये गलत लगा दिए हैं। ओहो मैं भी सोचूं ये क्या हो गया, एक मिनट गाइज यहाँ पर ना मैंने आई थिंक मैंने ठीक तो किया था भाई, एक मिनट ये क्या हुआ, मैंने एक गलती कर दी थी एक्चुअली में, हमें ग्लासेस यहाँ तक पूरा नहीं लाना था, एंड के 2 ब्लॉक हमें छोड़ देने हैं जहाँ पे हमें ब्रिक्स लगानी है और फ्लो ब्लॉक तक ऊपर चढ़े। होता है गाइज जब पहली पहली बार कोई चीज़ बनाना तो गाइज गलती होती रहती है, तो प्लीज़ आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो गाइज अब हमें क्या करना है, एक ब्लॉक यहाँ पे डालना है वाटर बकेट का और एक ब्लॉक हमें यहाँ पे डालना है। अब गाइज पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, यहाँ पे 3 ब्लॉक मेरे को जगह मिल चुकी है, अब हमें इसे खोदना है 23 ब्लॉक्स नीचे तक लेके जाऊंगा मैं इस सब को, क्योंकि भाई हमें 23 ब्लॉक्स तक नीचे लेके जाना है, जिससे कि क्या होगा जो भी पिगलिन आएगा भाई वो सारा का सारा यहाँ पर ही नीचे गिर के मर जाए। तो मेरे को सोना है जो गाइज वो सोना का सोना मिलता रहे, बाद में देख लेंगे, हमें अगर एक्सपी चाहिए होगी तो गाइज मैं थोड़ी सी ब्लॉक इसकी कैपेसिटी जो हाइट है बढ़ा दूंगा, फिलहाल तो मेरे को नीचे लेके जाना है। फिलहाल मैं कितने 1 2 3 4 ब्लॉक नीचे आ चुका हूँ, तो मेरे को जाना है 67 66 पर हूँ, 4 5 ब्लॉक नीचे आ चुका हूँ मैं, तो गाइज मेरे को जाना पड़ेगा अभी 18 ब्लॉक और नीचे। तो यहाँ पे 6 अगर काट दे 60 12 48 48 तक आई थिंक 48 हाँ, तो गाइज मेरे को 48 की हाइट तक जाना है, हाँ 48 की हाइट तक जाना है, तो जाके यहाँ पे 23 ब्लॉक्स बन जाएंगे और मैं 23 ब्लॉक्स नीचे आ चुका हूँ। तो फिलहाल मेरे को ये सारे के सारे यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ने को मेरे को लगता है काफ़ी मेहनत लगने वाली है, जल्दी से मैं तोड़ लेता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो गाइज मैंने ये 23 ब्लॉक्स तक नीचे खोद लिया है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 ब्लॉक्स अंदर तक जाना है, तो यहाँ पे 3 की हाइट रखने वाला हूँ मैं जहाँ पे हमारे चेस्ट लगेंगे और हॉपर्स लगेंगे। तो फिलहाल मैं इसको तोड़ लेता हूँ, 1 ब्लॉक की हाइट अंदर ले ली, 2 ये हो गया तीसरा, ठीक है यहाँ पे 3 ब्लॉक की हाइट मैंने अंदर, 3 ब्लॉक की हाइट क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 ब्लॉक विड्थ मैंने यहाँ पे रख ली है इसकी, और हाइट भी 3 ब्लॉक की रखी है जिससे कि हमें ही आसानी होगी आने में और जाने में। तो मैं यहाँ पे मैं लैडर्स भी लगाने वाला हूँ, ऊपर आने जाने का रास्ता भी बन जाएगा हमारा। फिलहाल मुझे लगता है मैंने कम तोड़ा, हाँ ठीक है यहाँ पे तोड़ लेते हैं, यहाँ पे तोड़ लेते हैं। ओके तो गाइज अब मुझे चाहिए चेस्ट और मेरे को चाहिए हॉपर्स, तो मैं काफ़ी सारे बना के लेके आया था, यहाँ पे चेस्ट भी मेरे पास बहुत सारे हैं, कम से कम मैं 3 चेस्ट तो यहाँ पे लगाऊंगा। तो 1 2 यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे तीसरा, एक मिनट तीसरा यहाँ लगा दिया, ओके यहाँ पे ओके। तो गाइज ये 3 लग चुके हैं, यहाँ पे मेरे को हॉपर्स इनके साथ में कनेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे पहले क्राउच कर लेते हैं, यहाँ पे हर किसी के साथ में हॉपर कनेक्ट करने वाला हूँ। एक यहाँ पे लगा दिया, एक इसका यहाँ पे लगा लेते, इसका भी यहाँ पे लगा लेते, और भाई यहाँ से मेरे को जंप करनी पड़ेगी, और एक लगा लेते इसका यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये सारा का सारा कलेक्शन एरिया आई थिंक मैंने यहाँ, ओके ओके भाई ये तोड़ना पड़ेगा, रुको ठीक है मैं ये तोड़ लेता हूँ, ठीक है ये तोड़ लिया मैंने। ओके तो गाइज मुझे लगता है मैंने सारा का सारा कलेक्शन एरिया जो है बना लिया है, सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं टेस्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइज ये काम तो सही तरीके से कर रहा है, बीच वाला काम कर रहा है बहुत ही सही तरीके से, जाने का रास्ता बनाना है, बाहर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये डिग आउट करना पड़ेगा, एक एक ब्लॉक में डिग आउट करने वाला हूँ, जिससे कि क्या होगा हमको थोड़ा सा जाने का आगे पीछे करने का स्पेस मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने डिग आउट कर लिया, अब गाइज मैं सेंटर में बनाने वाला हूँ अपना रास्ता, और मैं लगाने वाला हूँ लैंडर, मैं लैंडर बोल रहा हूँ लैडर पूरा ऊपर तक लगाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के लगाने वाला, लैडर मैं बहुत सारी लाया था भाई, ये रही लैडर, यहाँ से मैं लगा लेता हूँ लैडर, यहाँ पे लगा ली लैडर, यहाँ पे लगा ली लैडर, यहाँ पे लगा ली लैडर, यहाँ पे भी लगा ली, ओके तो यहाँ भी लगा ली लैडर। तो मेरे को ऐसे ही यहाँ पे मैं पूरा का पूरा खोदने वाला हूँ। तो गाइज सब पहले ऊपर जा लेता हूँ, रास्ता बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं ऊपर आया, मैं क्राउच कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ गाइज, यहाँ पे मैं एक ट्रैप डोर लगा लेता हूँ, ट्रैप डोर यहाँ पे रही, ये रहे ट्रैप डोर, और यहाँ पे मैं एक ना ट्रैप डोर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर लगा लिया। अब हमें क्या करना, अभी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम हमारा बाकी रहता है। सबसे पहले तो मेरे को हमें क्या करना, हमें यहाँ से ना 1 2 ये 3 ब्लॉक ना तोड़ लेने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक बटन लगाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगाने वाला हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, इसको तोड़ने वाला हूँ, और मेरे को बनाने हैं बटन। आई थिंक बटन कैसे बनता है भाई, ऐसे एक, ओके मेरे को 2 बटन चाहिए ना, तो ठीक है मैं 2 बटन यहाँ पे बना लेता हूँ,
दो बटन मैंने बना लिया एक्चुअली में, यहाँ पर एक बटन लगाना है ओके, एक बटन आई थिंक यहाँ, हाँ यहाँ पे लगाना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आधा काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, हम आगे जाना है और यहाँ से आगे आगे का काम करना है। नहीं, यहाँ से हमें एक यहाँ पे तोड़ लिया ब्लॉक, और गाइज मेरे को यहाँ पे दो ब्लॉक तोड़ने, अब मुझे जाना पड़ेगा अंदर, मेरे को अंदर काम है तो मुझे जाना पड़ेगा अंदर। जल्दी से जाते हैं अंदर, और अंदर मेरे को लगाना है एक ऑब्जर्वर, एक डिस्पेंसर लगाना है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला लगाना, क्योंकि हमें ये हवा में खड़े रह के लगाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे ओके ओके के गलत लगा दिया ना भाई, यही तो प्रॉब्लम थी। ओके मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए पानी निकाल लेता हूँ, उसके बाद में कवर कर लेते हैं आराम से। ओके तो यहाँ पे मैंने तोड़ दिए दो ब्लॉक, लगा दिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जर्वर चाहिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे थे, डिस्पेंसर भी नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि भाई अब डिस्पेंसर और ऑब्जर्वर का काम है। ऑब्जर्वर हमें गाइस ऐसे लगाना, लाल लाइट उसके पीछे रहे, डिस्पेंसर इसका मुंह बिल्कुल इसके पास में रहे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे लगा दिया डिस्पेंसर में, आप मेरे को डाल देना पानी पानी इसमें। और गाइस हमारा ये वाला काम भी हो चुका है पूरा का पूरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है बाहर, मैं बाहर चले जाता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे पानी डालने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये वाली दीवार ना तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को यहाँ पे पानी की बकेट डालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पानी लाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिस्पेंसर में एक बकेट डाल दिया, तो पानी लेके आता हूँ। पानी लेके आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पे डालना है पानी की एक बकेट, जल्दी से डाल लेते हैं और जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं। जल्दी से मेरे को यहाँ पे ग्लास लगाना पड़ेगा, नहीं तो पानी सारा का सारा बाहर आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ग्लास भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये लग गया एक, अबे ऊपर लग गया भाई ऊपर, अरे शेट 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 ऊपर लग गया भाई। सबसे पहले तो मेरे को लगाना था नीचे। ओके तो गाइज ये पूरा का पूरा यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मेरे को एक ऑब्जर्वर लगाना जो कि इसके मुंह की तरफ रहेगा। तो गाइज ये आप दो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है हमारे नीदर पोर्टल, और पिगलिंग्स जो है भाई आते ही जा रहे आते ही जा रहे। अबे तू क्यों नहीं कर रहा है, तेरे में कौन सा एटीट्यूड है, तुझ में किस बात का एटीट्यूड। ओके तो गाइज ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पिगलिंग्स आना कलेक्ट हो चुका है और मेरा गोल्ड फार्म जो है वो बनना शुरू हो चुका है। मैं अभी मेरे को कुछ ही सेकंड हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए, आप लोग देख सकते हो कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है यार। मेरे को सबसे पहले तो ये वाली दीवार तोड़ लेता हूँ, ये वाली दीवार तो नहीं चाहिए, ये थोड़ा शो ना खराब कर रही है, मैं इसको तोड़ लेता हूँ और मैं इसको बाद में सजाने भी वाला हूँ, थोड़ा सजा भी लेंगे इसको, बाद में सजाएंगे आई थिंक, मुझे लगता है। सबसे पहले मैं नीचे जाके देख लेता हूँ। ओके ओके यहाँ पे गिर रहा है पानी, लेकिन भाई ओके ओके एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट हुआ है खड़े हुए, मैं एफ के खड़े रहा हूँ यहाँ पे एक मिनट के लिए, अब मैं जाके देखने वाला हूँ नीचे की मैं। ओ भाई भाई ये क्या है, एक मिनट ये कहाँ से आ गए, अबे ये मर नहीं रहे कि, ओ मेरे को लगता है ये मरे नहीं है भाई, मैंने कुछ छोटा फार्म छोटा बना लिया है, शिट मैन मेरे को ना इसको फिक्स करना पड़ेगा गाइज। ओके तो गाइज ये मर नहीं रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मर नहीं रहे, मुझे थोड़ा सा और नीचे लेके जाना पड़ेगा इसको खोद के, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये फार्म ना रोक लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से एक ऑब्सिडियन ना तोड़ना पड़ेगा, अपने आप रुक जाएगा ये, मैं एक ऑब्सिडियन यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसी को तोड़ लेता हूँ यार, इसको तोड़ लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने तोड़ लिया, अब ये फार्म आना बंद हो चुका है, मेरे को सबसे पहले ये ना यहाँ पे ना खोद के ना इनको थोड़ा सा बड़ा बनाना। भाई कितने सारे पिगलिन हो गए, तो गाइज आप लोग समझ ही सकते हो कितने मेरे को गोल्ड मिलेगा भाई, मेरे को सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने वो चीज़ ना फिक्स कर ली है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ये गोल्ड फार्म है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारे पिगलिंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने। मैंने वो चीज़ ना 23 ब्लॉक्स तक नीचे की थी, अब मैंने वो चीज़ 32 ब्लॉक्स तक नीचे कर ली है। तो गाइज अब यहाँ पे वो मर रहे हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितना सारा गोल्ड मेरे पास जमा हो गया होगा। वैसे मैंने बहुत सारे ये इनको मारा था, तो यहाँ पे मेरे पास 64 नगेट्स ऑलरेडी जमा है, पीछे भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फार्म चल ही रहा है, तो मैं चलने देते हैं इसे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारा गोल्ड वो आई थिंक डिस्पॉन हो चुका है, जो मैंने तोड़ा था मतलब इनको मार के, मेरे पास इन्वेंटरी नहीं थी तो गाइस इसलिए वो डिस्पॉन हो चुका है। कोई बात नहीं, अपने पास गोल्ड फार्म है भाई, अपना पास बहुत गोल्ड है। तो गाइस ये देख सकते हो आप ऊपर से आ रहे हैं और सीधे डायरेक्टली नीचे जाके मर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्वेंटरी में, मेरे इन्वेंटरी में यहाँ पर जमा होते ही जा रहा है 16, अभी 15 थे यहाँ पे 16 हो चुके हैं नगेट्स, तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक घंटा खड़े रह जाऊँ तो ये मेरे को लगता है बहुत सारी चेस्ट यहाँ पर मेरे को डालनी पड़ेगी, बहुत सारी चेस्ट यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ये रॉटन फ्लैश रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने जो गोल्ड है वो भी, ये देखो गाइज ये देख रहे हो आप कितना आ रहा है भाई, कितना मेरे को गोल्ड मिल रहा है, ये देख रहे हो गाइज नगेट्स, देखो यार ये देखो नगेट्स मिलते जा रहे हैं मेरे को, इतने सारे नगेट्स मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग देख सकते हो कितना तगड़ा वाला फार्म मेरा काम कर रहा है। तो गाइज ये रहा हमारा आज का गोल्ड फार्म, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस गेम से, वीडियो को देखने में, और बहुत ही आसान सबसे ईजी वाला ये गोल्ड फार्म था, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस गेम प्ले वीडियो को, और आप लोग देख ही रहे हो यार भाई आए जा रहे। तो गाइज अगर अच्छा लगे गेम प्ले वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में, बताओ उनके इस चैनल के बारे में। तो गाइज मिलता हूँ कल आपसे एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।